नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, जहां जो कि दीपिका पादुकोण से जुड़ी हुई। जिस तरह से लगातार दीपिका पादुकोण जब मंगलवार को जीवनी पहुंची थी, उसके बाद से ही अभी सभी लोग उनका बॉयकॉट कर रहे हैं। जी आपको बता दें, दीपिका पादुकोण के साथ साथ अब सभी बॉयकॉट छपाक, जी हाँ, हैशटैग बॉयकॉट छपाक के साथ अब उनकी फिल्म को भी नहीं देखने की अपील करें। आपको बता दें, इस तरह से लगातार दीपिका पादुकोण जब मंगलवार को जीवनी पहुंची थी, उन्होंने देशद्रोही जो नारे लगाते हैं, वहां पर जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो वहां पर लेफ्ट के छात्र हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, उनका समर्थन किया था। और दीपिका पादुकोण ने यह कहा था कि उन्हें गर्व है कि इस देश में कोई तो अपनी बात खुलकर रख सकता है। तो साफ तौर पर जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने यह बयान दिया, और लगातार जो वो वहां पर प्रदर्शन में जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे, चाहे कन्हैया कुमार की हम बात करें, चाहे हम वहां पर आयशी घोष की बात करें, उन्होंने आयशी घोष से भी मुलाकात की, उन्होंने कन्हैया कुमार से मुलाकात की है। अब इसको लेकर लगातार जो पूरे देश भर में अब दीपिका का बॉयकॉट किया जा रहा है। जी हां, बता दें कि जो भी उनके प्रशंसक थे और जो उनको खास मानने वाले लोग थे, अब वही उनका बॉयकॉट करें, क्योंकि जिस तरह से देश विरोधी चेहरा दीपिका पादुकोण का यहाँ पर सामने आया, इसको लेकर तमाम जो लोगों के उनमें नाराजगी है। और सभी लोग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अब दीपिका पादुकोण को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से दीपिका पादुकोण देश विरोधी गतिविधि कर रही है, वहां पर जेएनयू में जाकर उन लोगों से मुलाकात कर रही है, उन्हें बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट छपाक इन दिनों ट्रेंड पर चल रहा है, नंबर वन पर चल रहा है। सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि दीपिका पादुकोण को बॉयकॉट कर देना चाहिए, उन्हें फिल्म से बाहर निकाल देना चाहिए। इस तरह से लगातार आपको बता दें कि बॉलीवुड की कई तमाम और भी हस्तियां हैं जो चाहे सीए की बात करें, चाहे जेएनयू में जो मुद्दा चल रहा है इसकी बात करें, उसको लेकर वो लगातार इसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। उसकी कड़ी में आपको ये भी बता दें कि सीधे सीधे साफ तौर पर यहाँ पर यह दिखाई पड़ रहा है कि अब जो बॉलीवुड के जितने सेलेब हैं, उनके जो तार हैं, वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से देश बाहर जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट के बड़े बड़े फाइनेंसर हैं, जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, उनके साथ इन तमाम सेलेब्स का उठना बैठना है, उनके साथ वो पार्टी करते हैं, उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। और साफ तौर पर इससे ये देखा जा रहा है कि जो जितनी भी हमारी बॉलीवुड की हस्तियां हैं, वो सारे साफ तौर पर दाऊद के निशाने पर काम करें, दाऊद के इशारे पर काम करें। क्योंकि जिस तरह से दीपिका पादुकोण की छपाक फिल्म 10 जनवरी को रिलीज होने वाली, उससे ठीक पहले अचानक इस तरह से जेएनयू में आना और जो देशद्रोही उनसे मुलाकात करना, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार पूरे देश में एक संवेदनशील माहौल बना हुआ है, उसके बीच आप जेएनयू में पहुंचती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, उन्हें बढ़ावा देती हैं, आप ये कहती हैं कि एटलीस्ट आपको गर्व हो रहा है कि कोई अपनी बात को सामने रख पा रहा है, जो भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जो अपने ही प्रधानमंत्री को आतंकवादी बता रहे हैं, उनका आप समर्थन कर रही हैं, तो किस तरह से आप ये दर्शा पाएंगे कि आप एक भारत की नागरिक है। जिस तरह से लगातार उनके समर्थन में भी तमाम जो बॉलीवुड के सेलेब्स हैं, वो सामने निकल कर आए, चाहे हम स्वरा भास्कर की बात करें, चाहे हम अनुराग कश्यप की बात करें, लगातार वो दीपिका के जेएनयू पहुंचने के बाद उनकी सराहना कर रहे हैं। तो साफ तौर पर इसमें दो राय नहीं होगी इस ये कहने में कि जो जितने भी बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं, तमाम उनके सीधे जो तार हैं, वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस तरह से जो पाकिस्तान का जो समर्थन करते हैं, उनसे उनके संबंध हैं, उनके प्रगाढ़ संबंध हैं। तो साफ तौर पर इसमें कहना कोई गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड की हस्तियां केवल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए पाकिस्तान को समर्थन कर रही हैं। अगर हम बात करें अनुराग कश्यप की, जो कि अपने ही प्रधानमंत्री को वो आतंकवादी कह रहे हैं, उन्होंने दीपिका पादुकोण जो जेएनयू पहुंची है, उनको ट्वीट में शेयर करते हुए साफ तौर पर कहा कि मुझे खुशी है कि आप भारत की महिला हैं। इस तरह से लगातार और भी कई ऐसे बॉलीवुड के सितारे हैं जो सीए को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, जो जेएनयू में जो विवाद चल रहा है, लेफ्ट के समर्थन में सामने आए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सामने आए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग, जो कि सीधा आईएसआई से उसका कनेक्शन है, इन सभी गैंगों का, इन सभी अफजाल गैंग का बॉलीवुड के सितारे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर ये कहना दो राय नहीं होगी कि जितने भी हमारे बॉलीवुड के सितारे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए दाऊद के इशारों पर काम कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हो, उनका भी समर्थन कर रहे हैं, उन्हें इसमें कोई कोताही नहीं है कि वो लगातार जो देश विरोधी गतिविधियां कर रही हैं, उनको इस चीज पर शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह से देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान के सेना प्रवक्ता ने भी जो जेएनयू में दीपिका पहुंची थी, उस पोस्ट को शेयर किया है, उन्होंने कहा है कि एक अच्छा कदम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो हमारे भारत के जो देशद्रोही लोग हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, और जो हमारे भारत के लोग हैं, जिन्हें भारत की नागरिकता दी गई है, जिन्हें लोग
प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो लोग पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर ये कहना कोई दो राय नहीं होगी कि जितने भी हमारे बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब हैं जो कि देशद्रोही बन चुके हैं केवल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। बिल्कुल आपको बता दें कि कन्हैया और आयशी के सपोर्ट में जेएनयू पहुंची दीपिका पादुकोण का पूरा देश बायकॉट कर रहा है। जहां बता दें कि अगर हम फिल्म की बात करें तो फिल्म में भी अगर जो छपाक जो मूवी है वो एक एसिड अटैक सर्वाइकल के ऊपर बनाई गई थी, लेकिन जिस तरह से जो दर्शाया गया है मूवी में साफ तौर पर जो ओरिजिनलिटी है वो मूवी की खत्म कर दी गई सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के लिए। क्योंकि जिस तरह से जो एसिड अटैकर जो था जिसका नाम नदीम था लेकिन उसका नाम फिल्म में बदलकर राकेश रख दिया गया, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दाऊद के इशारों पर काम करते हुए ये फिल्म बनाई गई है दीपिका पादुकोण ने। क्योंकि जो फिल्म की जो ओरिजिनलिटी थी वो फिल्म से खत्म फिल्म से बाहर दिखाई पड़ी, जिसको लेकर लगातार जो प्रशंसक हैं वो भी अब दीपिका का बॉयकॉट कर रहे हैं। वो लगातार अपने जो 10 जनवरी को जो मूवी रिलीज होने वाली थी उसका जो टिकट लोगों ने पहले से बुक कर लिया था लेकिन अब वो सभी टिकटों को कैंसिल करके वो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं ट्विटर पर। तो साफ तौर पर बेहद शर्मनाक है जिस तरह से लगातार पूरे देश में CAA को लेकर, NRC को लेकर, NPR को लेकर, तमाम जो बॉलीवुड की जगत की जो हस्तियां हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन इसका कर रही है। तो साफ तौर पर उनको देखकर भी ये लगता है कि आप भी सभी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप जिस तरह से पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। तो साफ तौर पर ये कहना दो राय नहीं होगी कि जितने भी तमाम जो बॉलीवुड सेलेब हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा है, दाऊद के इशारे पर काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से लगातार भारत में जो भारत विरोधी गतिविधि कर रहे हैं उनका वो बढ़ावा कर रहे हैं, उनको वो साथ दे रहे हैं, तो साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड हस्ती का जो असली चेहरा है वो सामने आने लगा। कि जिस तरह से जो पाकिस्तान के लोग हैं भारत के बाहर एंटी इंडिया प्रोटेस्ट के फाइनेंसर हैं, उनके साथ उनकी तस्वीरें अब खूब ट्रोल हो रही हैं लगातार। चाहे हम बात करें रणवीर सिंह की, चाहे हम बात करें करण जौहर की, चाहे हम बात करें अनिल कपूर की, जो हाँ इन दोनों अनिल कपूर के दाऊद के साथ भी तस्वीरों को ट्रोल किया जा रहा है। तो साफ तौर पर अब सभी जो लोग हैं पूरे देश में अब दीपिका पादुकोण के खिलाफ गुस्सा हो गया, क्योंकि जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने JNU में जाकर कन्हैया कुमार और आयशी घोष के साथ मुलाकात की, लेफ्ट के समर्थकों के साथ उन्होंने समर्थन दिया उस रैली में शामिल होकर, तो साफ तौर पर अब पूरा देश जो है वो दीपिका पादुकोण का बॉयकॉट कर रहा है। साथ ही साथ ये अपील कर रहा है कि जो उनकी आने वाली फिल्म है उसमें भी लोग ना जाएं और उसका बॉयकॉट करें। हैशटैग दीपिका छपाक को लेकर सोशल मीडिया पर नंबर वन पर ये ट्रोल कर रहा है और लगातार सभी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि दीपिका के JNU जाने पर भाई BJP सांसद राकेश सिन्हा भी उन्हें कभी बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बॉलीवुड में ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम का पैसा लगाया गया। क्योंकि जिस तरह से लगातार जो दाऊद के इशारे पर, पाकिस्तान के इशारे पर अब जो बॉलीवुड के जो सेलेब है वो काम कर रहे हैं, इसमें कहना कोई दो राय नहीं होगी। आपको बता दें कि BJP सांसद ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन बॉलीवुड में कुछ ऐसे दबाव और प्रभाव के लोग हैं जो सत्ता विरोधी, राज्य विरोधी या फिर राष्ट्र हित के विरोध में आवाज उठाते हैं। वहां पर बॉलीवुड के कुछ लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो खड़े क्यों हो जाते हैं ये विचार करने का विषय है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि JNU में पिछले 3 दशकों में एक विचारधारा का शासन चल रहा था और गैर वामपंथी लोगों का दबाव वहां पर ज्यादा है। साथ ही साथ सिन्हा ने यह भी सवाल पूछा है कि क्या बॉलीवुड में लगा हुआ पैसा इस पर क्या काम करता है। बॉलीवुड में स्वयं दाऊद इब्राहिम का भी पैसा लगा रहता है और बॉलीवुड में लगने वाले काले धन भी संवेदनशीलता का विषय है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बॉलीवुड के लोगों से ये पूछा कि उस समय उनकी संवेदनशीलता कहाँ चली गई जब बाहर धर्म के आधार पर प्रताड़ित लोगों को स्थान दिया जाता था। जी हाँ, जिस तरह से जो अब निकलकर लोग बाहर सामने आ रहे हैं बॉलीवुड की हस्तियाँ, उन्होंने सिन्हा ने साफ तौर पर उनसे सवाल पूछा है कि जब भारत के बाहर भारत के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है तब आपकी आवाज़ क्यों नहीं सामने आती, और अब जब भारत के हित में कोई काम मोदी सरकार अगर कर रही तो आप लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार आप गुंडों का समर्थन कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो कि सीधे उसके तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए आप उसका समर्थन कर रहे हैं, तो क्यों आप यहाँ देश के होने के बावजूद भी देश विरोधी गतिविधियों को बार बार कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्म की बात है। तो आपको बता दें इस तरह से लगातार पूरे देश में CAA को लेकर, NRC को लेकर, NPR को लेकर जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है लगातार लोगों को बरगलाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। इस कड़ी में अब साफ तौर पर दीपिका पादुकोण ने भी दिखा दिया है कि वो भी देश विरोधी गतिविधियों को कर रही है, क्योंकि जिस तरह से वो JNU पहुंची और लोगों से उन्होंने बातचीत की, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो पूरे जो तार है। आपको ये भी बता दें कि दीपिका पादुकोण JNU पहुंचने से पहले उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, तो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर आपके तार पाकिस्तान से नहीं जुड़े हैं, अगर आप इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे रहे, तो फिर आपने आने से पहले JNU से पहले आपने सोनिया गांधी से मुलाकात क्यों की। तो
तो बिल्कुल आपको साफ तौर बता दें कि दीपिका पादुकोण लगातार इस देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ा रही है। और आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को लेकर 2010 में ये बयान दिया था कि वो चाहती है कि जो भारत का प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी बने। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मानसिकता हमारे बॉलीवुड के सेलेब्स की जो मानसिकता है वो लगातार उनका जो स्तर है वो गिरता ही जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो कांग्रेस जो कि देश विरोधी पार्टी मानी जाती है, जिस तरह से लगातार कांग्रेस के जो तार है वो भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, चाहे उनके जितने भी बयानों की बात करें वो लगातार देश विरोधी बात करते हैं और उनका समर्थन तमाम जो सेलेब है वो दे कर रहे हैं। तो साफ तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तमाम जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं वो बार बार ये इंटेंशन दे रही हैं कि जो लगातार देश विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं वो उनको आगे बढ़ा रही है, लगातार उनकी तारीफ करें, उनकी सराहना करें, चाहे बात हम स्वरा भास्कर की करें, चाहे बात तमाम सेलेब्स की करें। तो साफ तौर पर बेहतर शर्मनाक है कि जिस तरह से लगातार पूरे देश में मोदी सरकार एक राष्ट्रीय एक एक संप्रभुता का माहौल बनाने की कोशिश करे, लेकिन जो तमाम जो देश के आतंकवादी कह सकते हैं इनको, क्योंकि जिस तरह से जो देश विरोधी बात करते हैं वो साफ तौर पर देश के लिए आतंकवादी ही साबित होते हैं।